सवाल मेरा ये है कि जानवरों के पाए आमतौर पे ये भैंसे वगैरह के या कट्टे वगैरह के पाए जो हैं ये बनाए जाते हैं, तो इससे पहले इनको जलाया जाता है। इनके जो बाल होते हैं ये ऊपर से जल जाते हैं, लेकिन बालों की जड़ें जो हैं ये जिल्द के अंदर रहती हैं। क्या वो जो बाल रह जाते हैं तो उनको खाने का क्या हुक्म है? बगैर जलाए भी अगर कोई जानवर के बाल खा लिए, हलाल जानवर के जबाशुदा, तो इसको ये हराम नहीं है, खाता कोई नहीं है, तबीयत जिन करती है इससे, लेकिन अगर बाल चला गया खा लिया तो हरज नहीं है। इंसानी बाल खाना हराम है, ये याद रखिए। हाँ, मैंने हलाल जानवर का कहा है कि हलाल है, इंसान का बाल खाना हराम है। तो यूं जलाने से जड़ें तो बाकी रहेंगी, उबालने से भी जड़ें बाकी रहेंगी। ये मखसूस टाइम तक जलाते हैं तो वो तो जल जाते हैं, और उबालते हैं भी वो भी टाइम पीरियड होता है 12 मिनट या इतना कुछ, तेज आंच पर उसको जला पानी में उबालते हैं, फिर इसका उस तरह जैसी तेज छुरी से शेव बनाते बाल जो होते हैं ना, तो ये नरम हो जाते हैं ना उबल कर, तो बाल उतर जाते हैं। गोश्त नरम नहीं होता, गोश्त सख्त होता है। अगर गोश्त भी नरम हो जाए तो फिर इसके मसाइल बनेंगे कि अगर माजल्ला वो आया नापाक था और पानी इतना सा होता है, तो वो गोश्त जो उबल कर नरम हो गया तो अब ये पक गया, अब ये धुल भी नहीं सकता, और ये गोश्त भी गल गया और पानी नापाक इसमें जज्ब हो गया, अब तो ये धोया भी नहीं जा सकेगा, खाना भी इसका हलाल नहीं है। पाया का मैंने वो ट्राई की थी, बंदा इस तरह भाई भेजा था और सारी देखभाल के कितनी देर में ये करते इस तरह, और ये तो मैंने फिर ले भी आए थे मेरे लिए पाया दिखाने के लिए, वो खाल से बाल शेव किए हुए उतारे हुए, तो मैंने देखा भाला उसको बिल्कुल कच्चा था, पका हुआ नहीं था। ये खाने वाले हम खाएं कभी।